ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। खरा सोना है, हाथ में आ जाए फिर तिजोरी में रख देना। चलिए जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल और क्या इसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक्सेलेंट क्वालिटी का स्टॉक है, एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 11.80%, आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लीजिए 13.65%, आप इसकी नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, नेगेटिव नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। आप इसमें प्लेज सेल देख लीजिए 0, मतलब कंपनी के कोई भी स्टॉक गिरवी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 69.62%, आप इसकी ईविट टू इबिट्टा रेशियो देख लीजिए 48.54%, आप किसी पीजी रेशियो देख लीजिए 4.50%, आप इसकी आरओसीई देख लीजिए 36.82%, आप इसकी आरओई देख लीजिए 23.13%। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में -17.40% की गिरावट आई है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें भी 14.42% की गिरावट हमने देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें भी 0.89% की हमें गिरावट देखने को मिली है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले ईयर से इस ईयर में 22.58% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले ईयर से इस ईयर में 24.25% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें 0.11% की हमें डाउनसाइड देखने को मिली है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 52.91% की प्रमोटर होल्डिंग रखी हुई है। आप इसमें FIS की होल्डिंग देख लीजिए, 19.24% की होल्डिंग FIS के पास है। आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए, 5.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अब तक हम बात कर रहे थे टाइटन के बारे में, यह अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है, लार्ज कैप स्टॉक है और डिविडेंड भी पे करता है। यह हाल फिलहाल क्यों है कि डाउन में चल रही है, मीन्स के 2-3 दिन में डाउन चलेगी। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो क्या है कि गोल्ड के रिलेटेड कुछ खबरें आ रही है, और बाद में क्या है कि जो इसका रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आया था, फिर भी स्टॉक अपसाइड जा रहा था, तो मतलब वहां तो हम बाय नहीं कर सकते थे। अभी ये डाउन आए तो देखते हैं कहां तक डाउन जाता है, और बाद में एक अच्छे लेवल पे हमें मिल जाए तब हम उसमें बाय करेंगे। अब हम आ चुके हैं टाइटन के चार्ट के ऊपर। आप देख लीजिए, एक बढ़िया सी अप ट्रेंड में चल रहा था, हाल फिलहाल में बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में था, लेकिन अब कुछले 2-3 दिनों से डाउन आ चुका है। देखिए कितना मींस के कितना गैप अप डाउन किया, बाद में नीचे आ रहा है। जो इसका पहला सपोर्ट लाइन है वो बनता है ये, जो हाल फिलहाल ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जो पहला सपोर्ट लाइन है वो 1070 पे है, और जो उसकी दूसरी सपोर्ट लाइन है वो कितने पे है, 1000 पे। अगर ये कहीं 1000 के आसपास मेरे को मिल जाए तो मैं इसको लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकता हूँ। जो इसकी फर्स्ट ट्रेंड लाइन है वो देखिए, जिसमें अभी थोड़े थोड़े दिन नीचे आता था बाद में ऊपर चला था, ये उसकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन है वो है, लेकिन उसके एक नीचे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इसकी जो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है ये है, जिसने अभी थोड़े दिन पहले सपोर्ट लिया था, बाद में इधर आया नहीं है सपोर्ट लेने के लिए। आई होप इधर जो ये सपोर्ट लेने आए तो मैं इसको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकता हूँ, लेकिन उसके पहले ये दो सपोर्ट लाइन है। अगर ये इसको ब्रेक करके इधर आता है और इधर से रिवर्सल दिखाता है तो मैं इधर बाय करने को बोलूंगा आपको। चलिए ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। सो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।